आपकी वेबसाइट पे एक लाइन थी कि आप चाहते हैं कि जो सब लोग हैं, बाकी जो जितने लोग आपको सुन रहे हैं, वो सारे अपने पोटेंशियल को अनलीश करें। तो इस लाइन से क्या मतलब था, कैसे, क्या वाकई में लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, या एक पैमाना जरूर होता है कि ये बंदा मोटिवेट होगा अगर इसमें स्किल है तभी ये आगे पहुंचेगा, या किसी को भी मोटिवेट करके आप ऐसे ऊपर पहुंचा सकते हैं? सो ये मैं लाइन क्यों बोलता हूँ बार बार, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा वेस्ट जो है ना वो है ह्यूमन पोटेंशियल। हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सपनों का साइज छोटा होता जाता है। बचपन में सपने देख रहे होते हैं, लेकिन वो छोटा क्यों हो रहा है साइज? कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम, आसपास के लोगों ने, चाचा ने बोल दिया छोटे शहर का लड़का तो बड़े सपने कैसे देख रहा है, हम मिडिल क्लास से हैं या सर्विस क्लास से हैं तो बिजनेस क्यों करने की सोच रहा है। तो ओवर द टाइम एनवायरनमेंट, कंडीशनिंग, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं ये रोल कि हम अपने सपनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैंने अपने पोटेंशियल को हर रोज़ एक्सप्लोर किया है, और जितने भी लोगों की मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ उन्होंने एक ही चीज़ करी, अपने पोटेंशियल को बाहर निकाला है। ऐसा नहीं है किसी के पास सुपर पावर थी, अंदर है, बाहर निकाला है। जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं लोगों के रिग्रेट्स को कम कर सकता हूँ, अफसोस को कम कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर मैं इतना ही काम कर दूँ, उनके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल दूँ, बस उसके बाद वो खुद कर सकते हैं। आप क्या करते हैं ऐसा? सो देखो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे मेरे को बचपन में लाइफ ने कुछ ऐसे टेस्टिंग टाइम दिखाए कि पोटेंशियल बाहर निकला, तो मैं समझा कि पोटेंशियल होता है, बाहर निकल सकता है। ये बिलीफ ही जब मैं पास करता हूँ, जब मैं अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। फिर आप तरीके बता सकते हो, ऐसा नहीं होगा अचानक आप कोई बड़ा रिस्क लोगे और आपका पोटेंशियल बाहर आएगा, कभी नहीं होगा। छोटे छोटे रिस्क से शुरू होता है। जैसे किसी को 5 स्टार जाने में डर है कि यार कभी 5 स्टार नहीं गया कैसा लगेगा, और जाके मुझे कुछ करना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, तो सिर्फ 5 स्टार में जाके वॉशरूम यूज कराओ, बहुत छोटा रिस्क है, लेकिन आप समझो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, सिर्फ सपना मत देखो, टेस्ट ड्राइव करने चले जाओ। बहुत अजीब लगेगा जब जेब में नैनो के पैसे होंगे और मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आप अलग लेवल पे चीजों को एक्सप्लोर करते हो। स्ट्रेंजर से बात करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात कर लो, आपका पोटेंशियल एक कदम और आगे बढ़ता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके ना आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हो। एक रात में सब कुछ बदल जाएगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हिमेश, आपने ना लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो अभी तक आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में 3 सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स क्या है? सो इंसिडेंट्स आप पूछ रहे हो, क्या रहे हैं अनकंफर्टेबल, मतलब जो आपको लगा कि अभी तक की जर्नी में आपने रियलाइज किया कि ये लाइफ के सबसे अनकंफर्टेबल सच है जो मैंने भी महसूस किए और बाकी के जो लोग हैं वो भी कभी ना कभी लाइफ में आके महसूस करेंगे। राइट, एक चीज, जब टफ टाइम आया था तब हमने फील करा था कि जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली एक अच्छी पोजीशन पे है, तो आपके इतने फ्रेंड्स हैं उस टाइम पे, आपका इतना बड़ा सर्कल है, हर रिलेटिव आपका अपना है, शहर का हर बंदा आपका अपना है, एवरीवन इज सलाम, राइट। लेकिन जब आपके ऊपर टफ टाइम आता है तब आपको रियल टेस्ट मिलता है कि कौन आपके अपने हैं। उस टाइम पे इंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंटेंट था कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी थे जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी थी बट फोन तक नहीं उठा रहे थे। तो वो एक टेस्ट होता है टफ टाइम में कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं है, इसलिए भी टफ टाइम जरूरी है। दूसरा, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना तो आपको हेल्प, सपोर्ट चाहिए होती है, मेंटोर्स चाहिए होते हैं, लेकिन स्ट्रगलर्स को ही वो नहीं मिलते। जब आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हो तब आपको सब सलाह देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि क्योंकि जब मैं टफ टाइम में था या जब मैंने चैनल शुरू किया, मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था सिखाने के नाम पे, इसलिए मुझे लगता है कि अब अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं उसको सिखाऊं लोगों को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मेंटोर का रोल। सो ये कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं जो टाइम के साथ पता चला। और थर्ड, कभी भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी एस्पिरेशन का। अल्टीमेटली आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुक्के लग सकते हैं, ओवरनाइट चीज हो सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन वही करेगा एब्सोल्युटली। बहुत सारी वीडियोज होती है ना अचानक वायरल होती है, हमें लगता है यही छाया हुआ है, लेकिन वो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं हम, क्योंकि वो ओवरनाइट है, वो एक्सीडेंट है। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है उसकी वायरलिटी, उसका फेम, उसकी फॉलोइंग, उसका बिजनेस कंसिस्टेंट होता है।
अच्छा अभी कुछ महीने पहले या आई थिंक 8-9 महीने ही हुए हैं, एक सोशल मीडिया पे गाना बहुत ट्रेंड कर रहा था, दे से वन डे यू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड सो गेट अ लाइफ यू विल रिमेंबर, मुझे बड़ा पसंद आया था ये गाना। एक्चुअली वो जो लाइन थी ना इतनी डीप मीनिंग थी कि भाई आप चले जाओगे तो ऐसी जिंदगी जियो एटलीस्ट जो आप याद रख सकते। राइट, तो आपकी जर्नी में हिमीश आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बना देती हैं और वो चीजें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए? आप स्ट्रगल करो, आप नौकरी करो, आप जहां भी जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए। आई थिंक लाइफ को बेहतरीन बनाने का सबसे बड़ा रूल है कि कोई रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी ट्रेडिशनल रूल से हम फॉलो करते जाएं बहुत जरूरी है। रुकें, सवाल पूछें, क्वेश्चन करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें। जैसे जब मैं 12th मैंने करी तो नॉर्मल था 2005 में कि आप उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, रूल तो यही कहता है, राइट। लेकिन अपनी सिचुएशन को समझते हुए उस रूल को तोड़ने का रिस्क लिया, जो मैं अपनी लाइफ का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन मानता हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैंने वो किया, नहीं तो शायद एक एजुकेशन लोन लेके मैं एक ट्रेडिशनल उस लोन को उतारने के चक्कर में कई साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी करता। तो वो रूल तोड़ा। 2012 में यूट्यूब स्टार्ट करना, ये उस टाइम की बात है जब इंटरनेट पेनिट्रेशन 8% थी, यूट्यूब पे 1% पॉपुलेशन थी, रेवेन्यू होता नहीं था, एक साल में 3000 सब्सक्राइबर आए थे। उस टाइम पे वो रूल तोड़ा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसीलिए हुई क्योंकि हिम्मत करी। तो ये रूल तो यही है कि रूल को चैलेंज करना चाहिए, विद द टाइम चीजें इवॉल्व होनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ये एक मेरे को लगता है कि इस चीज की वजह से मैंने बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जी पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रूल्स को हमेशा तोड़ा। और मेरा एक रूल, अपना ही रूल तोड़ा था, मेरा रूल था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो जब भी मेरे पेरेंट्स कहते थे, शादी की बात करते थे, तो मैंने ना लिस्ट याद करी हुई थी कि रतन टाटा ने नहीं करी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं करी, हेनरी फोर्ड ने नहीं। मैंने 15-16 ऐसे सक्सेसफुल लोगों का नाम रटा हुआ था। कोई रिश्तेदार कहता था शादी कर ले, तो मैं कहता इन सब ने नहीं करी, मैंने भी नहीं करनी, मैंने अपना रास्ता चुना हुआ है, मुझे दुनिया को चेंज करना है। बट जब मैं अपनी वाइफ गुंजन को मिला तो मुझे नजर आया कि एक ऐसी पार्टनर है जिसके साथ आपकी जर्नी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रही और चैनलाइज हो रही है। इसके साथ ओपिनियंस मिल रही हैं, ये वो है जो मुझे और आइडिएशन में हेल्प कर रही है। सो वी आर टुगेदर, वी कैन डू बिगर थिंग्स। तो अपने ही रूल को तोड़ा और आज मैं मानता हूँ कि जहां भी मैं हूँ उस रूल को तोड़ने की वजह से हूँ। अच्छा, लेकिन हिमीश ऐसा क्यों मेंटालिटी बन जाती है? मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा, और ऐसा नहीं अभी के यंगस्टर्स जो ये जेन ज़ी आ रहे हैं, हम मिलेनियल्स में भी ये सोच बहुत कॉमन थी कि यार मेरे को तो करनी ही नहीं है शादी, मैं तो सक्सेसफुल बनना है, बस यही मेरा मोटिव है, और शादी जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। तो ये माइंडसेट क्यों? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि बहुत लोगों के लिए शादी डिस्ट्रैक्टिव रही है। हम स्पेशली देखते हैं कि जब झगड़े हो रहे हैं हमें नजर आ रहा है, या पड़ोस में कोई लड़ रहा है नजर आ रहा है, और उस वक्त अगर तो वो छोटा मोटा झगड़ा है तो नॉर्मल है, घर में होगा। लेकिन जब हमें ये नजर आता है कि बंदा स्ट्रेस में है इस वजह से, या बंदी स्ट्रेस में है इस वजह से, कैसे वो अपने गोल्स को कोई पूरा नहीं कर पा रहा, फैमिली ऑब्लिगेशंस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और 20-22 साल की उम्र में जब आप हम ये कहते हैं हमें शादी नहीं करनी, वो हमें बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही होती है कि किसी के साथ रहना। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 15-20 दिन रहा था, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन से साथ, 15-20 दिन में ऐसा लग रहा था हम कितने अलग हैं, जो कभी नहीं फील हुआ। तो वो चीज़ें आप फील करते हो, तो एक फियर होना भी नेचुरल है और एडवांटेजेस होने भी नेचुरल हैं। तभी शायद इसको हम कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं कहते कि शादी हमेशा अच्छी होगी बुरी होगी, बनानी पड़ती है अच्छी।